मुख्यमंत्री, इसलिए उंगली उन पर उठी है, इसलिए जेल नहीं भेजा जा रहा है। वरना मामूली वाली घटना में आप देखो गोली मार दी गई, लोगों हत्याएं हुई हैं, और नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन से सबसे ज्यादा नोटिस सरकार को मिली है, कस्टोडियल डेथ सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश में हुई है। तो ये तमाम चीजें बताती हैं कि लॉ एंड ऑर्डर पे ये सरकार पूरी तरीके से फेल हुई है। सरकार के रहते हुए न्याय नहीं मिलेगा, इसलिए सिटिंग जज के मॉनिटरिंग में ये जांच हो तो परिवारों को न्याय मिलेगा। हम अभी घूम रहे हैं, मीडिया से भी बातचीत कर रहे हैं, सब कर रहे हैं, उनको जब तक हटाया नहीं जाता, अलग नहीं किया जाता है, तो निष्पक्ष जाँच की कोई उम्मीद नहीं कर सकते आप, क्योंकि उन्हीं के अंडर में तो पुलिस है। तो इसलिए जब तक निष्पक्ष जांच कराने के लिए ये ज़रूरी है, और हमें उम्मीद है कि आज सर्वोच्च न्यायालय इन सब चीज़ों पर ज़रूर संज्ञान लेगा और इस पर कोई ना कुछ अगला कदम आपको देखने को मिलेगा। कितने लोग आप लोग जा रहे हैं? देखिए, हमसे कहा गया कि आप लोग जो हैं 6 लोगों को आप ले जा सकते हैं, अलाउ किया उन्होंने, कहा कि आप 6 लोगों के साथ में जा सकते हैं। हमारी पार्टी के लोग वहाँ पहले से इंतज़ार कर रहे हैं, तो हम लोग जो हैं, हम लोग जिस तरह से कहा गया कि आपको हम परमिशन दे रहे हैं जाने की, हम उसी हिसाब से कर रहे हैं। सर, कांग्रेस लगातार वहां पर बनी हुई थी और माना जा रहा है कि वो और पार्टियां पीछे रहेंगी, चाहे बीएसपी हो। देखिए, हम लोग इसमें कोई ये आगे पीछे वाली राजनीति ऐसे इंसिडेंट्स में हम लोग नहीं करते हैं, ये कांग्रेस करती होगी और पार्टियाँ करती होंगी। हम लोग, ये संवेदनशील मसला है जिसमें कि हम लोग पहले दिन से, हमको नहीं जाने दिया, लेकिन हमारे जितने भी लोग हैं वहाँ, हमारे जिला अध्यक्ष, कार्यकर्ता, सब लोग जो वहाँ के थे लखीमपुर के, हम लोग तुरंत परिवारों के पास गए और परिवारों के बीच में रह के जो मदद हो सकती है, जो चीज़ें करी जा सकती हैं, हम लोग वो कर रहे हैं। हम लोग दिखावे का काम नहीं करते हैं, हम लोग शुरू से, हमारी पार्टी जो है वो कार्य करने में विश्वास करती है, क्योंकि ये पॉलिटिकल पार्टी बाद में और मिशन पहले। सर, सरकार के जो सियासी दलों द्वारा बेचाया न जाने के लिए, सियासत करने के लिए, देखिए सिद्धार्थनाथ सिंह जिनका आप नाम ले रहे हैं, वो बहुत खुद ही एक विचलित से और बहुत परेशान से प्राणी हैं, और आप देखते हैं कि वो, उनको आप जब भी देखेंगे, उनसे आप कोई चीज़ वक्तव्य लेने जाएंगे तो वो उसमें जो आप जिस चीज़ के बारे में पूछेंगे उसके बारे में ना बता करके वो दाएं बाएं इधर उधर, कहीं पर्यटक, कहीं इसकी, वहाँ पर लोगों की मृत्यु हो गई कुचल के, वो कह रहे हैं पर्यटक में जा रहे हैं, पर्यटन में जा रहे हैं। तो सिद्धार्थनाथ सिंह जी से तो आप उनसे ये अनुरोध अपनी तरफ से भी कर लीजिए, हम लोगों की तरफ करिए कि वो पर्यटन के तौर पर ना जाएँ, वो जा करके वहाँ संवेदना के लिए चले जाएँ, लेकिन जाने का काम तो करें। ठीक है, उनको इस सरकार ने इधर उधर कर दिया है, किनारे करा हुआ है, तो इसका मतलब ये नहीं कि वो दुखी हो करके और इस तरह के वक्तव्य ऐसे संवेदनशील मामलों में भी दिया करें, इसमें थोड़ा उनको गंभीर होना चाहिए। इसमें इस तरह से मजाकिया अंदाज में और जैसे वो चुटकी लेते हुए और जिस तरह के बोलते हैं, ये उनको शायद नहीं मालूम, इससे बहुत रिएक्शन उनके खिलाफ, उनकी पार्टी के खिलाफ होता है। सरकार की तरफ से भी देयर हैज बीन अ वेरी हॉरिबल एक्सीडेंट जिसमें 14 लोगों की डेथ हो गई, 30 हैव बीन इंजर्ड, उस पे क्या कहेंगे?